इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैपिटल पनिशमेंट के बारे में डेथ सेंटेंस के बारे में वेदर इट शुड बी रिटेनड और नॉट कि डेथ सेंटेंस जो है कंटिन्यू रहनी चाहिए या नहीं एफर्ट्स हैव बीन मेड एंड आर बीइंग मेड टू मेक पनिशमेंट लिबरल एंड रिफॉर्म द पर्सन इसमें बताया गया कि, कि कई एफ़र्ट्स किए जाते हैं पनिशमेंट्स वगैरह दी जाती हैं परसन्स को सुधारने के लिए लोगों को सुधारने के लिए ताकि वो क्राइम ना कमिट करें फ़ॉर क्वाइट सम टाइम देयर हैज बिन अ मूव टू अबॉलिश डेथ सेंटेंस कुछ समय के लिए ये एक मूव लिया गया था कि डेथ सेंटेंस को अबोलिश किया जाना चाहिए या नहीं देयर हैज़ बिन ग्रोइंग पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ एबोल्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस और जो ज़्यादा पब्लिक ओपिनियन यही था कि डेथ सेंटेंस को अबोलिश कर देना चाहिए ऑलग इट हैज़ नॉट बिन अबोलिश्ड बट ये फिर भी अबोलिश नहीं किया गया बट पब्लिक ओपिनियन इज़ ग्रोइंग इन फेवर ऑफ अबॉलिशिंग कैपिटल सेंटेंस बट अगर हम पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो पब्लिक पब्लिक का यही ओपिनियन था कि डेथ सेंटेंस को ख़त्म कर देना चाहिए अबॉलिश कर देना चाहिए अमेंडमेंट एक्ट 26 ऑफ 1955 के 1955 में ट्वेंटी अमेंडमेंट एक्ट लिया गया था उसमें बात हुई थी इंडियन लॉ कमीशन थर्टी रिपोर्ट के बारे में बिफोर द अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन थ्री फाइव ऑफ द सी आर द नॉर्मल रूल्स वॉज इसमें हम बात कर रहे हैं अमेंडमेंट से पहले के जो सेक्शन था 367 सिक्सटी सेवन सबसेक्शन फाइव सी आर पी सी का एटीन नाइन्टी एट वाले सेक्शन का उसका नॉर्मल रूल्स क्या थे उसके टू इम्पोज डेथ सेंटेंस ऑन द पर्सन कन्विक्टेड फॉर कैपिटल ऑफेंस किस में ये बताया गया है कि उन पर्सन को डेथ सेंटेंस देना जो मतलब जिन्होंने कैपिटल ऑफेंस कमिट किया है कोई ज़्यादा सीरियस कमें ज़्यादा सीरियस ऑफेंस कमिट उन्होंने इफ लेसर सेंटेंस वॉज टू बी गिवन द कोर्ट हैड टू गिव स्पेशल रीजन्स इन राइटिंग अगर उन्हें उन्होंने जो काम करा है जो गलती करी है जो ऑफेंस करा है क्राइम करा है वो ऐसा किया है कि मतलब उनको डेथ सेंटेंस ही मिलनी चाहिए बट अगर उसके बावजूद भी अगर कोर्ट ने उनको डेथ सेंटेंस नहीं दिया तो कोर्ट को ये रीज़न्स राइटिंग में देने पड़ेंगे स्पेशल रीजन्स देने पड़ेंगे राइटिंग में कि उन्होंने उनको डेथ सेंटेंस क्यों नहीं दिया

एंड द कोर्ट बिकेम फ्री आई दू अव डेथ सेंटेंस और लाइफ एम्प्रिजमेंट और कोर्ट को फ्री कर दिया गया कि आप डेथ सेंटेंस दे सकते हो या लाइफ एम्प्रिजमेंट किस हज़ार दे सकते हो एंड नो लॉन्गर नो लॉन्गर डेथ सेंटेंस वॉज द रूल और डेथ सेंटेंस का जो रूल था वो खत्म कर दिया गया इन द ईयर नाइनटीन सिक्सटी टू रेजोल्यूशन वॉज मूवड इन लोकसभा नाइनटीन सिक्सटी टू के ईयर में गया लोकसभा में फोर द एबोल्यूशन ऑफ एबोलिशन ऑफ़ कैपिटल पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट को अबॉलिश करने के एबोल्यूशन के लिए द गवर्नमेंट एश्योर द हाउस टू रेफर द मैटर टू द इंडियन लॉ कमीशन एंड मैटर वॉज रेफर टू द कमीशन तो जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट के हाउस ने ये रेफर किया कि इस मैटर को इंडियन लॉ कमीशन को दे देना चाहिए तो ये मैटर इंडियन लॉ कमीशन के पास रेफर कर दिया गया द लॉ कमीशन रिकमांडेड दैट द इशू ऑफ रिटेंशन एबोलिशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट तो जो लॉ कमीशन उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया कि जो अबोल्यूशन अगर कर देंगे अबोलिश इस रूल को तो क्या मतलब आगे सरकमस्टांसिस वगैरह हो सकते हैं ए बैलेंस विल हैव टू बी मेड एंड इट इज़ बेस्ड ऑन वेरियस आर्गूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट रिटेंशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट तो इसमें यह बताया गया कि एक बैलेंस बन रहा था कि कई लोगों के आर्गूमेंट्स उसके फेवर में थे डेथ जो डेथ सेंटेंस के फेवर में कि अबोलिश करना है या नहीं करना है और कई लोग उसके अगेंस्ट थे नो सिंगल आर्ग्यूमेंट कैन रिजोल्व द डिस्प्यूट कोई भी एक सिंगल ऐसा आर्गूमेंट नहीं किसी ने भी किया था जो इस डिस्प्यूट को खत्म कर पाए इट इज़ डिफ़िकल्ट रूल आउट ऑफ द वैलिडिटी और द स्ट्रेंथ बिहाइंड मैनी ऑफ द आर्गूमेंट्स फॉर एवोल्यूशन ऑफ कैपिटल सेंटेंस ये डिफिकल्ट था जो रूल आउट ऑफ वैलिडिटी है या स्ट्रेंथ बिहाइंड मैनी ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स और जो ऐसी स्ट्रेंथ जो कई आर्ग्यूमेंट्स की हैं फॉर एवोल्यूशन ऑफ कैपिटल सेंटेंस की जो कैपिटल सेंटेंस है उसको इवोल्व करने का हाउ एवर अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग कंडीशन इन इंडिया अगर हम इंडिया में प्रिवेलिंग जो कंडीशन चल रही हैं उनकी बात करें इंडिया कैन नॉट टेक द रिस्क ऑफ अबॉलिशिंग कैपिटल पनिशमेंट इंडिया कैपिटल पनिशमेंट जो है डे सेंटेंस है उसको अबॉलिश उसको ख़त्म करने का रिस्क नहीं दे सकता बिकॉज अगर हम बात करें अदर कंट्रीज़ के अदर कंट्रीज़ में आप ये देख सकते हैं आबादी कितनी कम है बट इंडिया में कितनी ज़्यादा आबादी है एज़ कंपेयर टू अदर्स तो बाकी कंट्री संभाल पाएंगे बट इंडिया में अगर, अगर अबोलिश कर दिया गया ये रूल तो इंडिया में नहीं मतलब सभी के मन से डर निकल जाएगा और रिस्क जो होगा वो अलग से तो इन्होंने यही फैसला लिया है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए हमें अबोलिश करने का तो बेटर कंटिन्यू रहने देना चाहिए बट ये रिकमेंडेशन दे दिए कि इट रिकमेंडेड दैट चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ एटीन ईयर्स जो चिल्ड्रन अठारह साल से कम उम्र के होंगे एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ़ द ऑफेंस जब उन्होंने कोई ऑफेंस किया होगा शुड नॉट बी गिवन डेथ सेंटेंस और उनको डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाएगा एंड इट हैज़ इंसर्टेड इन द आई पी सी बाई वे ऑफ सेक्शन फिफ्टी फाइव बी तो ये बात जो है कि अठारह साल से कम जो होगा उसको डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाएगा ये बात आई पी सी के सेक्शन फिफ्टी फाइव बी में दी गई है अब हम बात करें सी आर पी सी नाइनटीन सेवेंटी थ्री के बारे में सी आर पी सी का मतलब क्या होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सबसे पहले आई पी सी और सी आर पी सी का कई लोगों को फ़र्क नहीं पता होगा आई पी सी का मतलब होता है जो क्राइम उसमें जो भी मतलब काम करते हैं हम ऑफेंस करते हैं उसका क्राइम उसमें दिया होता है उसे बोलते हैं आई पी सी इंडियन पैनल कोड बट अगर हम सी आर पी सी की बात करें सी आर पी सी का मतलब ये होता है जो इंडियन पैनल कोड में क्राइम दिए गए हैं उन क्राइम को कैसे है? मतलब उसका प्रोसीजर क्या होगा तो ये प्रोसीजरल कोड है एक सी आर पी सी मेड फर्दर प्रोग्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन सेक्शन 354, सबसेक्शन 3 प्रोवाइडेड दैट अगर हम बात करें कि आगे क्या क्या प्रोग्रेस हुई सेक्शन 54, सबसेक्शन 3 की बात कर रहे हैं इसमें ये बताया गया है व्हेन द कन्विक्शन इज़ फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ जब ऐसी कोई मतलब कन्विक्शन वगैरह हो जब मतलब ऐसा कोई क्राइम वगैरह किया हो जो जो ऑफेंस पनिशेबल है डेथ के लिए जिसके पनिशमेंट डेथ होती है इन द अल्टरनेटिव विद एम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ उसको अल्टरनेटिव दे दिया गया कि उसको उम्र कैद भी दी जा सकती है इम्प्रजनमेंट फॉर अ लॉन्ग फॉर अ टर्म ऑफ ईयर्स इसमें ये बताया गया इम्प्रिजमेंट लाइक काफ़ी लंबे सालों के लिए द जज विल हैव टू गिव द रीजन फॉर द सेंटेंस तो जो भी जज इसमें से डिसीजन निकालेगा कि या तो डेथ सेंटेंस देगा या इम्प्रेजमेंट फॉर लाइफ देगा या काफ़ी कुछ सालों के लिए दे देगा लाइफ के लिए नहीं देगा जैसे तीस साल हो गए पैंतीस साल हो गए बट लाइफ के लिए नहीं देगा तो इसका जो भी जज डिसीजन देंगे जो भी कोर्ट डिसीजन देगी उसको इसका स्पेशल रीजन भी बताना पड़ेगा उसने ये डेथ से, ये सेंटेंस उसको क्यों दिया नाउ द प्रेजेंट लॉ इज़ दैट अगर हम प्रेजेंट लॉ की बात कर रहे हैं इन केस ऑफ सेंटेंस फॉर कैपिटल पनिशमेंट आर अगर हम कैपिटल पनिशमेंट के जो सेंटेंस मिलते हैं आज के टाइम पे उसकी अगर बात कर रहे हैं द जनरल रूल इज़ लाइफ इम्प्रिजमेंट ज़्यादातर जो जनरल रूल माना जाता है वो उम्र कैदी मानी जाती है इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस डेथ सेंटेंस कैन बी गिवन नेमली इन द रेयरस्ट ऑफ रेयर केसेज तो इसमें यह बताया गया है आज के टाइम पर अगर आपने देखा होगा कि फांसी या डेथस डेथ सेंटेंस जैसे बोलते थे ज़्यादातर फांसी बोलते हैं लोग इसको तो फांसी कितने कम लोगों को दी जा रही है इंडिया में आपने आज तक नोटिस नहीं किया होगा किसी ने भी हमने मूवीज़ तो देखी या मूवीज़ में तो लाइक फांसी पर चढ़ाई देते हैं हर काम के लिए बट रियल में अगर बात करें रियल में इसकी रेशो देखनी चाहिए कि इंडिया में डेथ सेंटेंस जो है वो कितनी है और ये ज़्यादा के ज़्यादा केसेस जो होते हैं वो सारी के सारे केसेस में लाइफ एम्प्रिजमेंट ही दी जाती है जैसे हम ऐसे कह सकते हैं नाइन्टी वर्सेस टेन रेशो कि जो टेन परसेंट टेन परसेंट डेथ सेंटेंस वगैरह टेन परसेंट बहुत कम है नाइन्टी परसेंट से ज़्यादा लाइफ एम्प्रजनमेंट दी जाती है और टेन से भी कम अगर बात करें तो डेथ सेंटेंस दिए जाते हैं और कभी ऐसे कई सर्कमस्टांस होते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रेप वगैरह हो गया गैंग रेप वगैरह उसमें कोई भी ज़्यादा क्रिटिकल ऑफेंसिस या स्टेट के अगेंस्ट या किसी और मतलब स्टेट के अगेंस्ट या कंट्री के अगेंस्ट वॉर वगैरह करनी उसके लिए डेथ सेंड वगैरह हो सकता है देशद्रोह देश जिसे देश देश जैसे बोल देते हैं हम ओके थैंक यू